इंडियन टाइम्स डेली में आपका फिर से स्वागत है और भारत की मुख्य 10 खबरें इस प्रकार हैं। लश्कर ए तैयबा के संस्थापक और 2008 मुंबई हमले की योजना बनाने वाले हाफिज सईद को 10 महीने नजरबंद रखने के बाद शुक्रवार को रिहा कर दिया गया। उसने जम्मू और कश्मीर की आजादी के लिए जिहाद जारी रखने की बात को दोहराया। हालांकि यूएस ने पाकिस्तान को उसे फिर से गिरफ्तार करने का आग्रह किया है, जिस पर यूएस ने $10 बिलियन का इनाम रखा है। शुक्रवार को जयपुर के नाहरगढ़ किले में एक लाश लटकी हुई पाई गई है, जिसके पास ही एक पत्थर पर पद्मावती के नाम का एक संदेश भी लिखा था। दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका खारिज कर दी है, जिसमें इस फिल्म की समीक्षा एक एक्सपर्ट कमेटी से कराए जाने की गुहार की गई थी। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की फालतू और गलत याचिकाएं फिल्म का विरोध कर रहे लोगों का बढ़ावा देती है। आरएसएस की मुखिया मोहन भागवत ने गुजरात चुनाव से पहले अयोध्या में ही भव्य राम मंदिर बनाने की बात को फिर से उठाया है। उन्होंने कहा है कि ये उसी विवादास्पद जगह पे बनाई जाएगी और वहाँ कुछ भी और नहीं बनाया जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने कहा है कि साइबर खतरों से बचने के लिए और आतंकवादियों सहित साइबर क्रिमिनल से निपटने के लिए दुनिया भर की सभी सुरक्षा एजेंसीज को आपसी सहयोग के साथ काम करना होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि वर्तमान की साइबर चुनौतियां बहुत ही अनोखी है, क्योंकि आतंकी संगठन इंटरनेट का इस्तेमाल पहले से बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार ने कहा है कि संसद का शीतकालीन सत्र थोड़े विलंब से 15 दिसंबर को शुरू होगा और 5 जनवरी तक चलेगा। उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों से आग्रह किया है कि सभी जरूरी विधेयकों पर उपयोगी और रचनात्मक चर्चा की जाए। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु और नितिन गडकरी को निशाना बनाया है। उन्होंने इन पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आरोप लगाया है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि दोनों गडकरी के निजी सचिव वैभव डांगे की कंपनी इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी में नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हिस्सा है। शुक्रवार को 12 घंटे के अंदर 4 अलग ट्रेन हादसों में 7 लोग मारे गए और कम से कम 12 घायल हो गए। इसमें से 3 हादसे उत्तर प्रदेश में हुए हैं और एक ओडिशा। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बाइकला महिला जेल के अंदर इंद्राणी मुखर्जी से पूछताछ की। मुखर्जी के खिलाफ चल रहे एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये पूछताछ की गई। भारत ने शुक्रवार को नागपुर में खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन श्रीलंका को उनकी पहली पारी में 205 रनों पर समेट दिया और दिन का खेल खत्म होने तक उनका स्कोर 11-1 रहा। स्पिनर जोड़ी रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने घातक गेंदबाजी करते हुए आपस में 7 विकेट झटक लिए, जिससे श्रीलंका इतने कम स्कोर में ढेर हो गया। केरल हाईकोर्ट डिवीजन बेंच ने एक सिंगल जज के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसे केंद्र को करारा झटका लगा है। उस आदेश में मलयालम फिल्म एस दुर्गा को एक सर्टिफाइड कॉपी के साथ गोवा में चल रहे 48वें ईफी में स्क्रीनिंग की इजाजत दे दी गई है। फिल्म के कलाकारों ने जूरी से निवेदन किया था कि वह जल्द से जल्द औपचारिकताओं को पूरा कर दें। हमारे साथ जुड़े रहे दोस्तों, हम अमेरिका की महत्वपूर्ण खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।